हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हील पेन। अब एडी में दर्द टॉपिक का लिटरल मीनिंग है, बट ये दर्द है, इसके अंदर जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि एडी कैसे बनती है। मतलब हील पेन में पता चलता है कि ये प्रॉब्लम फुट की है, फीट की है, जो कि पैरों में दर्द होने के वजह से होता है या फिर एडी में दर्द होने की वजह से होता है। तो ये जो पैर बनता है या फिर फीट बनता है, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर को मिला के बनता है। उसमें से हील ये सबसे बड़ा बोनी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा भी सामने जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं या फिर छोटे छोटे बोन्स होते हैं, तो इन सब से मिला के ये सिर्फ बोन्स नहीं होते हैं, ये बोन्स को सपोर्ट करने के लिए नीचे एक लेयर होता है, कनेक्टिव टिश्यू। मतलब हम लोग एक बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बेडिंग के जैसा होता है। वो काफ़ी मोटा होता है ताकि हमारा वजन जब हम लोग डालते हैं तो इमिडिएटली बोन पे ना गिरे। अब बोन्स को कनेक्ट करते हैं मसल्स, ये जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं लिगमेंट्स। तो ये हमारा पैर काफ़ी सारे कंपोनेंट से बनता है, जिसमें होते हैं बोन्स, जॉइंट्स, लिगमेंट्स, मसल्स और इनके थ्रू पास होने वाले नर्व्स और ब्लड वेसल्स। अब जब इस पे दर्द होता है, ठीक है, जब दर्द होता है तो इसमें क्यों रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं कि किस किस को पेन ज़्यादा होगा। वेरी सिंपल, जैसे हमें पता चलता है स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। क्योंकि हमारा पैर हमें बहुत सपोर्ट करता है खड़े रहने के लिए, चलने के लिए और हमारा पूरा वेट बेयर करने के लिए। तो हमें पता चलता है कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। नंबर वन, ज़्यादा वेट होना, ज़्यादा प्रेशर बेयर या फिर वेट बेयरिंग का काम भी फीट के ऊपर ही आता है। नंबर टू, जो लोग बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग होते हैं, जिनमें बहुत स्टैंडिंग जॉब होता है, कि जैसे बस कंडक्टर्स है या फिर जो भी खड़े रह के काम करते हैं, ये है नंबर टू। नंबर थ्री होता है जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में है, बहुत जिनको रनिंग, जंपिंग और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उनके ये वाले पार्ट में बहुत एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरी होगी इसमें। ये देख सकते हैं कि दर्द जो होता है वो एग्जैक्टली हील के पीछे की साइड जब होता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बोन का ग्रोथ है, जो कि कॉमनली सबको लगता है कि मुझे मेरी पैरों की हड्डी बढ़ गई है। देखिए, जब दर्द होता है, अब दर्द क्यों होगा, क्योंकि हमें पता चला है कि स्ट्रक्चर कैसा बना है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, तो दर्द क्यों होगा। अब दर्द इसलिए होगा क्योंकि इसमें बोन्स है, तो बोन्स में फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्चर होने के कारण बहुत ऑब्वियस है कि इसमें दर्द होगा। नंबर टू, जो कि मसल्स और लिगमेंट्स है, जहाँ पे उनको ज़्यादा स्ट्रेन होगा, तो यहाँ पे थोड़ा तो इन्फ्लेमेशन आएगा। मतलब अंदरूनी चोट होने के बाद जो अंदर रेडनेस बनता है, जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन, तो इसमें इन्फ्लेमेशन होने के बाद पेन होगा। नंबर थ्री होता है, जैसे हमने कहा कि अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स पास होती है, तो नर्व की एंट्रैपमेंट होती है। मतलब नर्व कभी कभी मसल स्टिफ होने के बाद ट्विस्ट हो जाती है, तो जब ये ट्विस्ट हो जाती है तो डेफिनेटली उसमें पेन आता है। इसमें टर्मिनोलॉजी क्या होती है, अब हील पेन में बहुत कॉमनली दिखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं कि कैल्केनियल स्पर होता है। रात में या फिर कुछ दिनों में नहीं बढ़ती है, इट इज़ लाइक अ प्रोसेस। बहुत टाइम से ये चलते रहता है, जब आपका इन्फ्लेमेशन होता है और वहाँ पे ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होता है। जब ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे एक शार्प स्ट्रक्चर के जैसा क्रिएट होगा, और इसी की वजह से आप जब भी पैर रखते हैं या फिर सो के जब सुबह उठते हैं और पहले पैर रखते हैं 2-3 स्टेप्स चलने के लिए, तब आपको दर्द होगा। देन ऑटोमेटिकली इट गेट्स बेटर, और फिर वो दर्द कंटिन्यू प्रोसेस बन जाता है। और एक चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, वो प्लांटर फेशियाटिस है। प्लांटर फेशिया एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो सामने के छोटे छोटे जॉइंट, मतलब बोन्स होते हैं, उसको और हील को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने के बाद प्लांटर फेशियाटिस बोलते हैं। दूसरा होता है एक्लीस, जहाँ पे ये वाला जो मसल है जो हील से काफ को कनेक्ट होता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन के बाद प्लांटर एक्लीस ऐसा बोलते हैं। तो ये वेरी कॉमनली यूज टर्म्स है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुली डायग्नोज करना पड़ता है ये चीज़। अब डायग्नोसिस के लिए कॉमनली बताया जाता है कि आप एक्सरे करा लो। एक्सरे कराने के बाद जब हमें वो स्ट्रक्चर, मतलब वो जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है स्पर में जो देखा जाता है,
वो नहीं मिलता है, देन हमें सिम्टम्स देखना पड़ता है, कौन सी पोजिशन में आपको दर्द है, टेंडरनेस मतलब जहाँ पे भी हम लोग प्रेस करते हैं कहाँ पेन है वो पता होना होता है, और क्यों आपको हुआ है या फिर व्हाट वाज योर कॉज, क्यों आप खड़े रहते हैं, क्या क्या है आपका वर्क पैटर्न, वो सब देख के डायग्नोज करना पड़ता है। जितना आसान है हील पेन का टर्म, उतना ही मुश्किल है डायग्नोज करने के लिए। जब अगर प्रॉपर डायग्नोज नहीं होता है तो ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। ये है ब्रॉडली हील पेन, उसका सिम्टम्स, स्ट्रक्चर ऑफ द हील, रिस्क फैक्टर्स और डायग्नोसिस। अब आता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट बेसिक जो हम मेडिसिन के पास जाने से पहले ट्रीटमेंट होती है वो होता है हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। बहुत कॉमन है, जैसे आप 5 मिनट के लिए गर्म पानी में पैर रखो, उसके इमिडिएटली बाद ठंडे पानी में रखो। तो ऐसा अगर करते रहोगे तो अंदर जो इन्फ्लेम्ड पार्ट है वो हील होने शुरू हो जाता है। ठीक है, नंबर टू जो मैं हमेशा कॉमनली सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने हैं, स्पेशली आप जब स्पोर्ट्स में हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग जॉब है, आप बिल्कुल ना मिस कीजिए कि आप ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। आपकी मसल्स को और लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है जब आपको उनका ज़्यादा फायदा लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उन पर काम करोगे तो वही आपके लिए काम करेंगे। और होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, मैं बता रही हूँ, जैसे कैल्शियम डिपॉजिट होने के बाद जब फॉर्म होता है ग्रोथ, वो जब हो जाता है तो काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट होता है, बट उसके पहले जो एक्यूट स्टेजेस या फिर जब इनिशियल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है, वंडरफुल ट्रीटमेंट होते हैं उसके लिए। जैसे वेरी कॉमनली वी गिव रूटा या फिर कैल्किलिया फ्लोर या फिर थूजा या फिर रस्टॉक्स, दीज आर वंडरफुल मेडिसिंस। वो काफ़ी अलग अलग पोटेंसीज में आती है, जैसे 30 या फिर 200, ऐसे अलग अलग डोसेजेस में आती है। जैसे कैल्किलियन फ्लोर जो 6x में देते हैं, तो दीज आर वेरी कॉमनली एंड वंडरफुली वी गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ दीज मेडिसिंस। बट जैसे मैंने कहा, ये केयरफुली डायग्नोज करना पड़ता है। जस्ट आपने अगर सुना है कि हाँ मुझे ये पेन है तो आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो आपका अच्छा डायग्नोसिस हो, आप अच्छे से ट्रीटमेंट लेंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये थी जानकारी हील पेन एंड रिलेटेड कंप्लेंट्स के बारे में। आई होप इट वॉज यूजफुल। आपको जो भी डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड या फिर आपके हेल्थ के रिलेटेड, डू कॉन्टैक्ट मी, मैसेज मी, ईमेल मी, बुक योर कॉल कंसल्टेशन ऑन माई वेबसाइट, एंड कीप वॉचिंग द होमियो लाइफ।